मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा। ये तो तिलक करते हैं सामान्य तो बहुत जानते नहीं है, ये तिलक क्या है, क्यों करते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसलिए तिलक करते हैं। कोई कहे तो हमको, तुम ये क्या करते हो, छप्पा मोहर क्यों लगाते हो, इसको कहते हैं हरि मंदिर। इसको ये शेप उल्टा कर दो, एक तो मंदिर का शेप आ जाएगा। ये शरीर भगवत चरण में समर्पित है, हम हरि मंदिर रचना करते हैं, रचना करके हर अंग में हम भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रपूत करते हैं, मंत्र के द्वारा उनको स्थापना करते हैं, प्रातःकाल स्नान करके, जैसे केशव देव, हे केशव देव तुम इस मंदिर में विराजमान हो जाओ, केशवाय नमो, यहाँ उधर में इस मंदिर में नारायणाय नमो, वक्ष में माधवाय नमो, कंठ में गोविंदाय नमो, द्वादश अंग में हमारे भगवान के स्वरूप को हम प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रपूत करके प्रतिष्ठा करते हैं। अब ये शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान का अधिष्ठान, ये मंदिर है, इस मंदिर में मैं रहता हूँ, मैं सेवक बन करके मैं भगवान का सेवा करता हूँ, ये संसार मेरा नहीं, प्रभु का है, हम तो प्रभु के दास है, हमारा कर्तव्य है उनकी प्रसन्नता संपादन, हमारे जीवन का उद्देश्य है जान करके, दास बन के प्रभु का प्रसन्नता के लिए हम कर्म संपादन करते हैं तो हो जाता है उसका कर्म मुक्ति का कारण। ये तिलक है, साइंस है, कोई कहे तो क्यों क्या करते, ये तिलक क्या है, बहुत जानते नहीं है। इसको कहते हैं हरि मंदिर, उल्टा सेप ना, इसको उल्टा कर दो, दिखने के मंदिर का सेप आ जाएगा, है हरि भगवान का अधिष्ठान, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी, ये मेरा परिचय है। ये शरीर प्रकृति है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान आगंतु, मातृ जठर में शुरुआत, शशान में परिसमाप्ति, विश्व दृश्यमान, इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना बस इसके द्वारा, इसको अगर जोग में लगाओगे तो अमृत फल मिलेगा, भोग में लगाओगे तो संसार चक्र में फंस जाओगे। लगाओ ये शरीर, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने कहां लगाओगे,